गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज सीमा फ्रॉम एमएलपी इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। सो डियर स्टूडेंट, इन द लास्ट वीडियो वी डिड कंप्लीटेड 13 स्टेट एंड कैपिटल्स। सो स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड फर्दर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बेटा मेंशन योर हेडिंग्स। एसटीएटी स्टेट, एएनडी एंड सीएपीआईटीएल कैपिटल। ओके, so in this side we write state and this side we write capitals. S-T-A-T-E-S states and C-A-P-I-T-A-L-S capitals. So let's start. 14th number है हमारा K-E-R-A-L-A, केरला। केरला कैपिटल क्या है बेटा हमारी? T-H-I-R-U-V-A-N-A-N-T-H-A-P-U-R-A-M, तिरुवनंतपुरम। केरला की कैपिटल क्या है बेटा? तिरुवनंतपुरम, केरला, के ई आर ए एल ए, केरला कैपिटल आएगी तिरुवनंतपुरम। ओके, सो नेक्स्ट वन इज मध्य प्रदेश, एम ए डी एच वाई ए, मध्य, पी आर ए डी ई एस एच, प्रदेश, मध्य प्रदेश। कैपिटल इज भोपाल, बी एच ओ पी ए एल, भोपाल, बी एच ओ पी ए एल, भोपाल। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र, एम ए एच ए आर ए एस एच टी आर ए, महाराष्ट्र, एम ए एच ए आर ए एस एच टी आर ए, महाराष्ट्र। कैपिटल इज मुंबई, एम यू एम बी ए आई, मुंबई, एम यू एम बी ए आई, मुंबई। ओके, नेक्स्ट इज एम ए एन आई पी यू आर, मणिपुर, एम ए एन आई पी यू आर, मणिपुर। कैपिटल इज इम्फाल, आई एम पी एच ए एल, इम्फाल। मणिपुर की कैपिटल क्या आएगी बेटा? इम्फाल। नेक्स्ट इज मेघालय, एम ई जी एच ए एल वाई ए, मेघालय, एम ई जी एच ए एल ए वाई ए, मेघालय। कैपिटल इज शिलोंग, एस एच आई डबल एल ओ एन जी, शिलोंग। कैपिटल क्या है मेघालय? कैपिटल इज शिलोंग, एस एच आई डबल एल ओ एन जी, शिलोंग। नेक्स्ट इज नागालैंड, एन ए जी ए एल ए एन डी, नागालैंड। कैपिटल इज कोहिमा, के ओ एच आई एम ए, कोहिमा, एन ए जी ए एल ए एन डी, नागालैंड। कैपिटल इज कोहिमा, के ओ एच आई एम ए, कोहिमा। नेक्स्ट इज उड़ीसा, ओ डी आई एस एच ए, उड़ीसा। कैपिटल इज भुवनेश्वर, बी एच यू बी ए एन ई एस डब्ल्यू ए आर, भुवनेश्वर। कैपिटल इज भुवनेश्वर, उड़ीसा की कैपिटल इज भुवनेश्वर। नेक्स्ट इज पी यू एन जे ए बी, पंजाब। कैपिटल इज चंडीगढ़, सी एच ए एन डी आई जी ए आर एच, चंडीगढ़। ओके, सो रिपीट अगेन, ये 14th नंबर है हमारा केरला, के ई आर ए एल ए, केरला। कैपिटल इज तिरुवनंतपुरम, के ई आर ए एल ए, केरला। कैपिटल इज टी एच आई आर यू वी ए एन ए एन टी एच ए पी यू आर ए एम, तिरुवनंतपुरम। ओके, कैपिटल इज केरला, कैपिटल इज तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट इज एम ए डी एच वाई ए, मध्य, पी आर ए डी ई एस एच, प्रदेश, मध्य प्रदेश। कैपिटल इज भोपाल, बी एच ओ पी ए एल, भोपाल, मध्य प्रदेश। कैपिटल इज भोपाल। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र, एम ए एच ए आर ए एस एच टी आर ए, महाराष्ट्र। कैपिटल इज मुंबई, एम यू एम बी ए आई, मुंबई, महाराष्ट्र। कैपिटल इज मुंबई। केरला कैपिटल इज तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश कैपिटल इज भोपाल, महाराष्ट्र कैपिटल इज मुंबई। नेक्स्ट वन इज मणिपुर, एम ए एन आई पी यू आर, मणिपुर। कैपिटल इज इम्फाल, आई एम पी एच ए एल, इम्फाल। कैपिटल मणिपुर, कैपिटल इम्फाल। नेक्स्ट वन इज मेघालय, एम ई जी एच ए एल ए वाई ए, मेघालय, एम ई जी एच ए एल ए वाई ए, मेघालय। कैपिटल इज शिलोंग, एस एच आई डबल एल ओ एन जी, शिलोंग। कैपिटल इज शिलोंग।
नेक्स्ट इज नागालैंड NAGALAND नागालैंड कैपिटल इज कोहिमा KOHIMA कोहिमा नेक्स्ट इज ओडिशा ODISHA ओडिशा कैपिटल इज भुवनेश्वर BHUBANESWAR भुवनेश्वर कैपिटल इज भुवनेश्वर नेक्स्ट इज PUNJAB पंजाब कैपिटल इज चंडीगढ़ CHANDIGARH चंडीगढ़ पंजाब कैपिटल इज चंडीगढ़ केरला कैपिटल इज थिरुवनंतपुरम मध्य प्रदेश कैपिटल इज भोपाल महाराष्ट्र कैपिटल इज मुंबई नेक्स्ट वन इज मणिपुर कैपिटल इज इम्फाल नेक्स्ट इज मेघालय कैपिटल इज शिलोंग नागालैंड कैपिटल इज कोहिमा ओडिशा भुवनेश्वर पंजाब चंडीगढ़ ओके थैंक यू हैव ए नाइस डे हेलो डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू टुडे आई एम गोइंग टू प्रिपेयर यू फॉर द एसएनएस स्कूल नवोदय स्कूल मेकी स्कूल एनटीसी एंड सम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड श्योरली दिस वीडियो एंड सिलेबस विल कम इन योर competitive exam so don't miss this video and today I am going to teach you can the use of can and may in English spoken so let's we start topic is can C-A-N can and may M-A-Y, may, okay, can, का हिंदी मीनिंग होगा बेटा सकता है सकता है सकती है या सकते हैं can का मीनिंग सकता है सकती है सकते हैं एंड मे का मीनिंग हो जाएगा बेटा सकता है सकती है और सकते हैं कैन और मे का बेटा मीनिंग सेम होगा सकता है सकती है सकते हैं सकता है सकती है सकते हैं कैन एंड मे इनका हिंदी मीनिंग सेम होगा बट इनका यूज आप सेंटेंस में करोगे तो इनका यूज अलग तरीके से होगा फॉर एग्जाम्पल यू कैन लर्न इंग्लिश हम कैन का करते पहले यू कैन लर्न इंग्लिश You can learn English. आप अंग्रेजी सीख सकते हैं आप अंग्रेजी सीख सकते हैं आप अंग्रेजी सीख सकते हैं आया लास्ट में बेटा कैन था इसलिए सकते हैं इसमें यू कैन लर्न इंग्लिश आप अंग्रेजी सीख सकते हैं इसमें बेटा आपकी एबिलिटी आपकी योग्यता क्षमता के बारे में कैन का यूज़ होता है और आपकी एबिलिटी के बारे में बोला जाता है कि आप अंग्रेजी सीख सकते हैं यस यू कैन डू इट आप अंग्रेजी सीख सकते हैं मे का एग्जांपल करके बताते हैं अभी आपको मे में मे कम इन सर मे आई कम इन सर मैं कम इन सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ इसमें सकते हैं मैं आई कम इन सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ इसमें बेटा आप अपने रिक्वेस्ट जो मैं है इसमें आप ये मैं इसमें सकता हूँ एक रिक्वेस्ट या ऑफिसली आप रिक्वेस्ट कर सकते हो मे आई कम इन सर और इसमें आप अपने पूरा हार्ड नेचर होता है हार्ड स्पोकन होता है इसके अंदर सकता हूँ
यू कैन लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीख सकते हो. सो मे का यूज आप बेटा सॉफ्ट सेंटेंस में, सॉफ्ट स्पोकन में यूज कर सकते हो. इसका मे का यूज आप सॉफ्ट सेंटेंस होगा या सॉफ्ट स्पोकन होगा उसके अंदर यूज होता है. और कैन का यूज बेटा हार्ड स्पोकन या हार्ड सेंटेंस में, आप उसका यूज, उसमें कैन का यूज होता है. तो इनका मीनिंग सेम होगा, कैन और मे सकता है, सकती हो है या सकते हैं, बट इनका सेंटेंस में यूज डिफरेंट होगा. एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताया यू कैन लर्न इंग्लिश, तो इसमें आप अपनी एबिलिटी, कैन का यूज एबिलिटी में हो जाएगा. और मे आई कम इन सर, मैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये एक तरह से रिक्वेस्ट ऑफिशियली होते हैं जिसमें आप मे का यूज करेंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक कैन एंड मे इज कम्प्लीट. ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे. हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे आई एम गोइंग टू प्रिपेयर यू फॉर द सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल एंड मे के एनटीसी एंड सम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंड श्योरली दिस सिलेबस विल कम इन योर एग्जाम. So don't miss this class. And today I am going to teach you some grains name. So let's we start class is first in science subject. Okay, first is wheat. WHEAT, wheat. Wheat means gehun. Wheat means gehun. WHEAT, wheat means गेहूँ. गेहूँ को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं wheat, wheat, गेहूँ. Next is boll wheat flour. WHOLE, boll. WHEAT, wheat. FLOUR, flour. Boll wheat flour means गेहूँ का आटा. गेहूँ का आटा, गेहूँ के आटे को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा boll wheat flour. वॉल वीट फ्लोर, गेहूं का आटा. नेक्स्ट इज राइस. RICE, राइस मीन्स चावल. राइस मीन्स चावल. RICE, राइस. राइस मीन्स चावल. चावल को राइस बोलते हैं. नेक्स्ट इज राइस फ्लोर. RICE, राइस. FLOUR, flour. Rice flour. Rice flour means चावल का आटा. Rice flour means चावल का आटा. चावल के आटे को इंग्लिश में बोलेंगे बेटा rice flour. Next is all purpose flour. ALL, all. PURPOSE, purpose. FLOUR, flour. All purpose flour. All purpose flour means मैदा. All purpose flour means maida. Next is semolina. SEMOLINA, semolina, suji. Semolina ko bolenge beta suji. SUJI, suji. Semolina, suji. Next is vermicelli. VERMICELLI. वर्मिचिली को बोलेंगे बेटा सेवैयाँ. सेवैयाँ को इंग्लिश में बोलेंगे वर्मिचिली. VERMICELLI, वर्मिचिली, सेवैयाँ. आई रिपीट अगेन डियर स्टूडेंट्स, वीट मीन्स गेहूँ. वीट, गेहूँ. नेक्स्ट इज वॉल वीट फ्लोर. वॉल वीट फ्लोर, गेहूँ का आटा. वॉल वीट फ्लोर, गेहूँ का आटा. राइस, राइस मीन्स चावल. राइस मीन्स चावल. नेक्स्ट इज राइस फ्लोर. राइस फ्लोर मीन्स चावल का आटा. राइस फ्लोर मीन्स चावल का आटा. नेक्स्ट इज ऑल पर्पस फ्लोर. ऑल पर्पस फ्लोर मीन्स मैदा. ऑल पर्पस फ्लोर, मैदा. नेक्स्ट इज सेमोलिना, सूजी. सेमोलिना हो जाएगा बेटा सूजी. सूजी को हम बोलेंगे सेमोलिना. नेक्स्ट इज वर्मिचिली. VERMICELLI, वर्मिचिली, सेवैया. वर्मिचिली, सेवैया. ओके डियर स्टूडेंट्स, अवर टॉपिक सम ग्रेन नेम इज कम्प्लीट. ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे. हेलो
Hello student, good morning. I am Sangeeta ma'am, teacher of first class at MLP school, Rajpura. Dear student, आज हम आपको कहानी सुनाएंगे. हिंदी में कहानी दादी माँ की कहानी है, बड़ी प्यारी कहानी है. देखिए बेटा, शाम को जब आप सोते हो खाना खाने के बाद, तो आप दादी माँ के पास जरूर सोते होंगे, क्योंकि दादी माँ मीठी मीठी और प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाती है. तो आज हम भी आपको कहानी सुनाएंगे. कहानी बड़ी प्यारी है, ठीक है? तो ये देखिए बेटा, कहानी शुरू करेंगे. तो देखिए बच्चे, अब हम कहानी शुरू करेंगे. किशन भैया की शादी ठीक हुई. दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना. दादी जी की जो कहानी है उसमें दादी जी की जो बेटा है उसका नाम है किशन, ठीक है? उसकी शादी हुई तो दादी माँ खुशी से और उमंग से, दादी जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था. दिन भर गायब रहती दादी जी, जो है वो दिन भर इधर उधर रहती, घर में नहीं रहती, ठीक है? सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो. सारा घर सर पर उठा लिया मीन्स होता है सारा घर जैसे, सारा घर पूरे घर में कोई शांति नहीं रहती थी. पड़ोसी ने आती बहुत बुलाने पर दादी माँ आती. जब दादी माँ को पड़ोसी ने बुलाती थी तो दादी माँ बहुत बार बुलाने के बावजूद उनके पास जाती थी. बहन बुरा न मानना, दादी जी जो है वो पड़ोसी से कहती है कि बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं. दादी जी कहती है पड़ोसी से कि घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से. दादी जी कहती है कि यदि मैं एक काम भी अपने हाथ से नहीं करूं तो होने वाला नहीं. जानने को तो यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, कि जानने को या कहने को तो सभी कह देते थे कि दादी जी कुछ नहीं करती, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती. दादी जी पड़ोसी से कहती है कि किशन भैया की शादी के बाद जो उनकी बहू घर में आई हुई थी, वो जो कार्य करती थी, कोई भी जब वो काम करती थी, अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब, विलंब मीन्स होता है देर, तो उसमें उसके आने की बहुत देर का देर हो जाती थी, ठीक है? फिर नेक्स्ट है आगे, उन्हीं दिनों की बात है. एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा बाहरी निकसार में. किशन भैया की बातें हैं ये, कि एक दिन की बात है, जब दोपहर को मैं घर लौटा बाहरी निकसार में, जो बाहर के दरवाजे में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी. दादी माँ की और उनकी जो बहू थी उनकी किसी बात पर बिगड़ मीन्स लड़ाई वगैरह हो गई. देखा पास के कोने में दुबकी रामे की चाची खड़ी है. देखा तो पास के कोने में दुबकी रामे की चाची खड़ी है. सो न होगा धन्नो रुपये महसूद के. वह दादी जी से कहने लगी कि रुपये महसूद के आज दे दे. वो उससे बोली कि कभी उसने उससे रुपये लिए होंगे, तो वो कह रही है कि धन्नो रुपये महसूद के आज दे दे. आज तो आपको रुपये वो देने ही होंगे. तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी. उसने कहा कि आपकी आंखों में कोई शर्म नहीं है, जब आपको पैसों की ज़रूरत थी तब तो आप मांगने के समय ऐसे आकर कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी. कि इतनी उससे लेके गई थी कि जैसे पैरों पर नाक रगड़ती थी. किसी ने एक पाई भी नहीं दी और किसी ने आपको एक पाई नहीं दी थी. अब लगी है आजकल करने कि जब आपको ज़रूरत थी पैसों की तब मैंने आपको पैसे दिए, और उस समय आपने बोला कि मेरे को किसी ने एक पाई नहीं दी, ठीक है? अब लगी है आजकल करने, और अब जब पैसे देने हैं तो वह आज या कल करके टाइम निकालती है. फसल में दूंगी कि फसल कटेगी बिकेगी तब मैं फसल में दूंगी. अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी. तो दादी जी ने कहा कि अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी तब देगी क्या. तो देखिए बेटा, कहानी बड़ी प्यारी है, बड़ी अच्छी है. आपको कहानी को अच्छे से पढ़ना है और कहानी को अपनी नोटबुक में भी लिखना है. ओके बेटा, थैंक यू. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू
ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज सीमा फ्रॉम MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा. सो डियर स्टूडेंट, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू प्रिपेयर आवर चिल्ड्रन ऑफ फर्स्ट क्लास. सो डियर स्टूडेंट, इन द लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू कि वी आर प्रिपेयर आवर चिल्ड्रन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक NDA, NTSC, नवोदय सैनिक स्कूल. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू रीजनिंग क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आवर टॉपिक इज रीजनिंग क्वेश्चंस. सो बेटा, मेंशन योर हेडिंग RESONING, रीजनिंग QUES, क्वेश्चंस. ठीक है, क्वेश्चन की शॉर्ट फॉर्म है ये. रीजनिंग क्वेश्चन करेंगे. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ यस्टरडे वाज मंडे. ओके, इफ यस्टरडे वाज मंडे. यस्टरडे मीन्स क्या होता है बेटा? बीता हुआ कल. तो इफ यस्टरडे वाज मंडे, यस्टरडे को कौन सा डे था? मंडे था. देन टुमारो विल बी, कि हमें टुमारो बताना है. यस्टरडे मीन्स फिर बता रही हूँ बेटा, यस्टरडे मीन्स होता है बीता हुआ कल, और टुमारो मीन्स आने वाला कल. सो हमारा जो बीता हुआ कल था वो मंडे था, तो आने वाला कल क्या आएगा? सो बेटा देखो, हमारा डे है आज, हमारा टुडे इज ट्यूजडे, देन मंडे यस्टरडे, एंड टुमारो विल बी वेडनेसडे. आवर आंसर इज वेडनेसडे. ओके, सो वेडनेसडे पे टिक करेंगे. सो इफ यस्टरडे वाज मंडे, यस्टरडे मंडे था, देन टुमारो विल बी, टुमारो बताना है, तो टुमारो क्या आएगा? हमारा वेडनेसडे. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द थिकेस्ट. अभी थिकेस्ट का मीनिंग बता रही हूँ. थिकेस्ट मीन्स होता है बेटा मोटा. ठीक है, डैश इज द थिकेस्ट ब्रिक्स एंड डैश इज द थिन. थिन मीन्स होता है पतला. थिक मीन्स मोटा और थिन मीन्स पतला. डैश इज द थिकेस्ट ब्रिक एंड डैश इज द थिनेस्ट ब्रिक्स. ब्रिक, ब्रिक मीन्स होती है ईट. तो हमारे पास देखो, सम ब्रिक आर गिवन हेयर PQRS. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि थिकेस्ट कौन सा है. ब्रिक हमारा है थिकेस्ट S. ओके, एंड देन थिनेस्ट इज P. सो आवर आंसर इज क्या आएगा? S एंड P. तो देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है Q एंड R, नेक्स्ट ऑप्शन P एंड Q, ये नेक्स्ट है P एंड R, और आवर लास्ट ऑप्शन इज S एंड P. तो आवर थिकेस्ट एंड थिनेस्ट ब्रिक इज S एंड P. सो S एंड P पे क्या करेंगे? हम टिक करेंगे. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द ओड वन आउट. ओड वन होता है बट इनमें से जो फोर ऑप्शन गिवन हेयर एंड ओड वन इज सेलेक्ट करना है. ठीक है, जो इनमें से अलग होगा. तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 7 and 2. 7 और 2 कितने होते हैं बेटा हमारे? 9. डैश नेक्स्ट 4 and 5 इज इक्वल टू 9, एंड 2 and 8 होते हैं हम इज 10, और 6 and 3 हो गए 9. तो ओड वन हमारा क्या हो गया बेटा? 8 और 2. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है 6th आइसक्रीम इज बिफोर आइसक्रीम. 6th आइसक्रीम इज बिफोर आइसक्रीम. हमारे देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6. सिक्स आइसक्रीम हमारी कौन सी बेटा? 6th आइसक्रीम ये है F, एंड F से पहले बिफोर मीन्स होता है पहले. तो पहले बिफोर आइसक्रीम कौन सी बेटा हमारी? E. सो ऑप्शन क्या आएगा? A. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर डैश ग्रुप ऑफ 3 स्ट्रॉबेरीज. ये सम स्ट्रॉबेरीज गिवन हेयर एंड वी मेक ग्रुप ऑफ 3. 3 के ग्रुप बनाने, तो हमें इनको काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. हमारे कितने स्ट्रॉबेरीज है टोटल बेटा? हमारी है 15. 15 को हमें ग्रुप बनाने हैं 3 के. ठीक है, तो 3 को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3, 5 जा 15. तो कितने ग्रुप्स होंगे बेटा हमारे? 5 ग्रुप्स. ओके, सो 5 पे हम क्या करेंगे? टिक करेंगे. सो रिपीट करेंगे, रिपीट अगेन. If yesterday was Monday, then tomorrow will be.
यस्टरडे मीन्स मैंने अभी बताया था, बीता हुआ कल, एंड टुमारो मीन्स आने वाला कल. सो हमारा कल जो बीता हुआ था वो मंडे था, देन टुमारो विल बी, तो आने वाला कल हमारा क्या होगा बेटा, वेडनेसडे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द थिकेस्ट ब्रिक एंड डैश इज द थिनेस्ट ब्रिक. तो थिक मीन्स मैंने अभी बताया था, थिक मीन्स होता है मोटा एंड थिन मीन्स पतला. सो देखेंगे हमारी सबसे मोटी एंड सबसे पतली ब्रिक कौन सी है, एस एंड पी. सो हम क्या करेंगे, एस एंड पी पे टिक लगाएंगे. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ओड वन आउट. हम देखेंगे हमें कि हम 7 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे क्या होंगे बेटा, 9. 4 और 5 को ऐड करेंगे इजकल टू 9. 8 और 2 को ऐड करेंगे तो 10. एंड 6 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे 9 होंगे. ठीक है, तो ओड वन क्या हुआ बेटा, 8 और 2. नेक्स्ट है सिक्स्थ आइसक्रीम इज बिफोर आइसक्रीम. सिक्स्थ नंबर पे जो आइसक्रीम है उसे पहले आइसक्रीम क्या है, सिक्स्थ आइसक्रीम इज बिफोर आइसक्रीम. सो फर्स्ट देखेंगे ए बी सी डी ई एफ 1 2 3 4 5 6. सिक्स्थ नंबर पे हमारी आइसक्रीम है एफ एंड एफ से बिफोर आइसक्रीम ई, तो हम क्या करेंगे ई पे टिक लगाएंगे. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर डैश ग्रुप ऑफ 3 स्ट्रॉबेरीज. सो यहाँ पे क्या है बेटा, ये ग्रुप 5 स्ट्रॉबेरीज के ग्रुप है, इनको 3 स्ट्रॉबेरीज के ग्रुप में हमें डिवाइड करना है. सो हम क्या करेंगे, इनको काउंट करेंगे एंड 3 से डिवाइड करेंगे. सो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल स्ट्रॉबेरीज 15, देन वी डिवाइड 3. तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो देखो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15. तो 3 5 जो कितने होते बेटा 15, तो 5 ग्रुप होंगे टोटल. सो 5 पे टिक आएगा. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे. स्टूडेंट वेलकम यू टू ऑनलाइन क्लास MLP स्कूल राजपुरा. आई होप यू आर डूइंग यूर वर्क प्रॉपरली. आई एम पूनम. टूडे वी प्रैक्टिस इन MS पेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट MS पेंट. गोइंग टू स्टार्ट बटन, देन ऑल प्रोग्राम, और देन एसेसरीज और पेंट. नाउ पेंट इज ओपन. दिस इज द पेंट विंडो. टॉप मोस्ट बार इज द टाइटल बार. टॉप मोस्ट बार इज द टाइटल बार. अनटाइटल पेंट. दिस वन इज द टाइटल बार. बॉटम इज द टास्क बार. दिस वन इज द टास्क बार. नाउ वी आर गोइंग टू फाइल मेन्यू. फाइल मेन्यू में न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रॉपर्टी, एग्जिट ऑप्शंस, देन होम एंड व्यू एंड टेक्स्ट. होम मेन्यू में सबसे पहले ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप. डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप. वी कैन इंसर्ट एनी शेप. वी ड्रॉ ए रेक्टेंगल. वी कैन ड्रॉ ए रेक्टेंगल एंड ए सर्कल. देन वी कलर. देन वी कैन डू ए कलर. फिल विद कलर. कलर यहाँ से हमने क्या किया, कलर लिया और देन फिल कलर. फिर क्या करेंगे, सर्कल में डिफरेंट कलर, यहाँ से चूज एनी कलर एंड फिल विद कलर. यहाँ से क्या करेंगे हम, देन ए फॉर टेक्स्ट. इंसर्ट ए टेक्स्ट इनटू द पिक्चर. पिक्चर में कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ए. यहाँ से हमने टेक्स्ट लिया और फिर यहाँ पे टेक्स्ट राइट करते हैं. टेक्स्ट राइट जैसे ही करेंगे इसमें दो ऑप्शन आते हैं, ओक्यू एंड ट्रांसपेरेंट. ओक्यू में क्या होगा, बैकग्राउंड इज वाइट. देन ट्रांसपेरेंट में क्या होगा, बैकग्राउंड इज सेम कलर. ओक्यू में सबसे पहले हम राइट करते हैं टेक्स्ट MLP स्कूल राजपुरा. MLP स्कूल राजपुरा. अगर हम ट्रांसपेरेंट करते हैं तो सेम कलर का होगा, शो नहीं होगा. देन ओक्यू एंड ट्रांसपेरेंट. सो ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस एट योर होम डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप एंड फिल इन कलर. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.